नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। नर्मदापुरम में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया है कि किसान परिवार कल्याण संगठन द्वारा संचालित क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूर्ण विश्वास रखने वाला दलगत राजनीति से पृथक एक गैर राजनीतिक संगठन है, जो समय समय पर किसान मजदूरों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु शासन प्रशासन के समक्ष प्रत्यक्ष वार्ता कर एवं ज्ञापन पत्र के माध्यम से गतिविधि संचालित करता रहा है। इसके सार्थक परिणाम पूर्व में मिलते रहे हैं। इसी तारतम्य में किसानों की समस्याओं के यथाशीघ्र निराकरण हेतु आपके समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत है। विश्वास और गंभीरता से विचार कर निम्न समस्याओं का निराकरण किया जाए। अब आपको बताते चले कि निम्न समस्याएं कुछ इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 के दौरान देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी से युक्त मध्य प्रदेश का संकल्प पत्र प्रदेश की जनता के समक्ष जारी किया गया था, जिसमें किसानों की उपज गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल एवं धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल कीमत पर खरीदने का वादा किया गया है। लेकिन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं का सरकारी समर्थन मूल्य 2275 रुपए घोषित किया गया है। अतः संकल्प पत्र के मुताबिक 2700 रुपए मूल्य दिया जाए, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिल सके। विगत 26 एवं 27 फरवरी 2024 को नर्मदापुरम जिले में तेज हवाओं के साथ असामयिक बारिश एवं ओलावृष्टि होने के कारण गेहूं, चना आदि रबी फसलों को क्षति पहुंची है। परिणाम स्वरूप फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादन प्रभावित होगा। अतः यथाशीघ्र प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा एवं फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया जाए। सरकारी समर्थन मूल्य खरीदी वर्ष 2024-25 के लिए पंजीयन की प्रक्रिया में सर्वर की समस्या के चलते किसानों के पंजीयन पूर्ण नहीं हो पाए हैं। अतः पंजीयन प्रक्रिया की तारीख को 10 मार्च तक बढ़ाया जाए। नर्मदापुरम जिले के कृषि उपज मंडियों में बासमती धान के दाम दिसंबर जनवरी माह में 4400-4500 रुपए के भाव से बिक रही थी। वही धान वर्तमान में 3700-3800 रुपए भाव से बिक रही है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसका क्या कारण है, उचित समाधान किया जाए, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिल सके। वही बता दें कि कृषि मंडियों में किसानों की उपज की तोल छोटे कांटों से होती है, जिससे किसानों को तुलाई एवं हिमाली देनी पड़ती है, जबकि सरकारी समर्थन मूल्य पर तुलाई का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अतः समस्त कृषि उपज मंडियों में उपज की तुलाई के लिए बड़े तोले का कांटे की तोल मान की जाए। नर्मदापुरम से डीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।